हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी के लिए हमने एक बाउल लिया है। उसमें हमने एक कटोरी आटा डाल दिया है। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसे हम जैसे नॉर्मल चपाती के लिए हम जो आटा लगाते हैं उसी तरह से हम आटा लगा लेंगे। हमें इसे इस टाइट आटा नहीं लगाना है, हमें थोड़ा सा लूज़ लगाना है। ये देखिए, हमने आटा लगा कर तैयार कर लिया है। थोड़ी देर के लिए हम इसको रेस्ट पर रख देंगे और हम करेंगे आगे की तैयारी। हमने एक बाउल लिया है जिसमें हमने अब लिया है एक कटोरी चावल, जो कि रात के बने हुए थे। और अगर आप सुबह बने हुए चावल हैं तो आप रात को यूज़ कर सकते हैं, और मैंने रात के चावल हैं जो मैं सुबह नाश्ते में यूज़ कर रही हूँ। अब हमने इसमें डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है हमने, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा हमने डाला है धनिया पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, तो हाथों से क्रश करके डाल देंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है इस मसाले में। अब हमने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला, आप चाहें तो इसमें मैगी मसाला भी डाल सकते हैं और बारीक चॉप किए हुए प्याज भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने पान मेथी डाल दी है, कसूरी मेथी, हाथों से क्रश करके, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर आटे की लोइयाँ बना ली थी, जैसे हम रोटी या चपाती के लिए, परांठे के लिए हमने जैसे लोई लेते हैं, हम वैसे ही लेना है। हमें ज़्यादा आटा इस्तेमाल नहीं करना है। चपाती की तरह हम इसको बेल लेंगे, हमें इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बस हमें इतना ही बनाना है। अब हमने जो चावल का मसाला बनाकर तैयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे। हमें ज़्यादा मसाला नहीं डालना है, हमने जितना आटा लिया है उस हिसाब से ही डालना है। जिस तरह से हम आलू के परांठे बनाते हैं उसी तरह से आज हम यहाँ पर चावल के परांठे बनाएंगे। इस तरह की रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। मैं हमेशा जब चावल बन जाते हैं तो इसी तरह से परांठे बनाती हूँ, और सुबह के नाश्ते में या फिर बच्चों के टिफ़िन में। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इस तरह से बनाए हुए परांठे सभी को बहुत पसंद आते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर परांठा बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम तवे पर इसको सेक लेंगे। तवा हमें मीडियम ही रखना है। अब हमने इसको पलट दिया है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसके आगे आप आलू का पराठा भी भूल जाएंगे, इतना टेस्टी लगता है। अब हम इसमें लगा देंगे ऊपर से घी। ये घी में ही बहुत अच्छे लगते हैं पराठे। अगर आप चाहें तो आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से हमने यहाँ पर इसको सेक लेना है दोनों तरफ से। ये देखिए, हमारे परांठा का कलर कितना अच्छा आया है और दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। ये देखिए, हमारे परांठे बनकर तैयार हो गए हैं, और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए, हमने पराठे को पिज़्ज़ा कटर से काट के दिखाया है। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी बना। ये बहुत ही गर्म है इसलिए मैं इसको दिखा नहीं पा रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा बना है ये पराठा, और कितना मसालेदार, कितना यम्मी लग रहा है। एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, हमने ये परांठा बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम सारे परांठे बनाकर तैयार कर लेंगे, और इसे आप अचार के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी, क्योंकि अक्सर हमारे घर में चावल बच ही जाते हैं। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।